बाइक पे वेट वेट स्लो थोड़ा स्लो मनीषा वेट स्लो आगे लगा दो थैंक यू बाइक दो पे बाइक दो आजी आजी थोड़ा यहां पे हमको वॉक सिखा दीजिए हाय मनीषा हाय आई कोई जा कैसे हो लाइट लगाओ ना लाइट लगाओ ना लाइट के बैटरी लेके गया मनीषा भी मनीषा इधर रुकिए ना थोड़ा यहां पे रुको यहां पे लाइट अच्छा आ रहा है गिर जाएगा रुको पापा मनीषा जी इधर मनीषा लेफ्ट साइड में मनीषा लेफ्ट साइड में मनीषा जी क्या ड्रेस है आपका वेट वेट मनीषा जी एक बार पीछे जादू जादू चलो चलो अरे बस करना भी सब कुछ करते हैं यार हाय नहीं पहले तो मैं कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की थी मेरे लिए फर्स्ट टाइम था तो मैं खुद भी चाह रही थी कि पहले मैं बैठ के देखूं एज अ गेस्ट मुझे बुलाया गया तो पहले देख के हम एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं फिर नेक्स्ट टाइम मे बी आप मनीषा रानी को वॉक करते भी देखेंगे एक्चुअली मुझे प्रियंका चोपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है लाइक सी इज़ माई इंस्पिरेशन वो जो भी पहनती है जो भी करती है बहुत यूनिक बहुत अच्छा रहता है उनका स्टाइलिंग उनका हेयर उनका मेकअप एवरीथिंग आई लव तो बस मैं कभी कभी ट्राई करती हूँ वैसे ही मैंने डिज़ाइनर अभी रखा हुआ है बट कभी कभी मैं खुद से मॉल जाके जैसे ये कपड़े मैंने खुद से डिज़ाइन किए हैं ऐसे खुद से कि ये पहनना है इसके साथ ये मैच करना है तो हम खुद भी अभी खुद से भी खुद कुछ कुछ कर लेते हैं तो कल मैंने साड़ी पहना था तो टुडे आई थॉट लेट मी ट्राई विद अ बॉस बहुत कुछ इसीलिए गायब थी काफी टाइम से मुंबई से फॉर माय न्यू शो आई वाज शूटिंग फॉर दैट एंड होस्टिंग अ रियलिटी शो फॉर एमटीवी सो आई वाज बिजी विद दैट एंड अच्छा लग रहा है बैक टू मुंबई बैक टू सीइंग यू गाइस एंड अमेजिंग ऑलवेज अमेजिंग टू बी हियर बस जून में आई विल हैव बोथ माय रिलीजेस मेरा एमटीवी का शो भी व्हिच इज अ रियलिटी शो दैट वी हैव होस्टेड डे टू रिमेंबर एंड माय हिस्टोरिकल शो चलिए थैंक यू गाइस आई विल सी यू
स्पेगेटी और चश्मा है अंदर कलेक्शन का नाम अद्वया था, मतलब हर पीस एक ही होता है, ऐसा दूसरा नहीं होता। नॉन ड्यूअलिटी का फंक्शन था कि हर पीस एक ही कलर स्टोरी में कैसे अलग लगता है, यही कॉन्सेप्ट था, यही थीम था इस स्प्रिंग समर एडिट का। सोनाक्षी का अभी इतना हीरा मंडी में इतना कलरफुल, इतना ग्लैमरस, इतना फ्लैम्बॉयंट हुआ था। जिस दिन मैंने ये ट्रेलर देखा था, तभी मैंने बॉम्बे टाइम्स के साथ साइन किया था, मैंने सोचा ये रिलीज होने दो। आई रियली वॉन्टेड टू वॉक दिस रैम बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू अ ब्लैक ब्राइड। हम कहीं पर भी ब्राइड को ब्लैक देखते नहीं हैं, ब्लैक ब्राइड को कभी नहीं देखते हैं। एंड आई वॉन्टेड इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और मेरा और सोनाक्षी का बहुत 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 पुराना रिश्ता है। बहुत ही मज़ा आया उनको स्टाइल करने में। इतनी फ्लूइड एक्ट्रेस है, इतनी, हम दो बार मिले वो भी 10-10 मिनट के लिए, और ये पूरा उन्होंने किया है। आई थिंक जस्ट पीपल शुड, बहुत 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 खूबसूरत एक्सपीरियंस था। बस लगता है कि मैं दुनिया की रानी हूँ और क्या और स्पेशली जब हमारे इतने टैलेंटेड डिजाइनर्स मुझे इतने खूबसूरत खूबसूरत आउटफिट्स में डालते हैं, आई थिंक अ गर्ल ऑलवेज फील्स गुड ना। हर लड़की को पसंद आता है कि सच दर्शना ब्यूटीफुल लगे। अब तो मुझे आदत सी हो गई है ऐसे हैवी आउटफिट्स पहन कर रहना, बट एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल है मैं। आई हैव बीन इन इट, और ये पहली बार मैं ये इतना लंबा वेल पहन रही हूँ जो कि यू नो मेरे पीछे ट्रेल हो रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बट इतना खूबसूरत लग रहा है कि मुझे निकालने का मन नहीं कर रहा मैं उसके साथ अभी भी घूम रही हूँ। सॉरी, एक उन्हें ख़त्म करने दीजिए। हाँ, ऐसे ड्रेस आई थिंक ब्लैक दोस्त की शादी कोई संगीत में, दोस्त की शादी में, संगीत में, मेहंदी पे तो नहीं, मेहंदी में लाइट कलर। हाँ, कोई शादी में ब्लैक पहनता है आप कहीं गए हो कोई शादी में अभी तो मैं अभी तक प्रमोशन चल रहा है ना और मैं थोड़ी देर तक रहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमें हीरा मंडी के लिए, और मैं चाहती हूँ कि वो सब फ्रेश रहे आप सबके जहन में। किरदार ने मेरे, हाँ ऐसे लग तो रहा था मैं फरीदन आ गई है, मेरे फरीदन की आत्मा आ गई है मुझे। एक कैरेक्टर मैंने एक फिल्म की थी नूर, बहुत लाइट कंफर्टेबल और लूज कपड़े पहने थे मैंने, तो मैं उसे चूज करना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल, आई बिलीव कि आपको हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहिए क्योंकि उससे आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, तो फॉर मी कंफर्ट ऑलवेज कम्स फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू फैशन एज वेल। लोगों का अलग अलग नज़रिया भी हो सकता है, कुछ लोग प्रिफर टू बी अनकंफर्टेबल बट लुक वेरी वेरी फैशनेबल, बट माय प्रायोरिटी इज ऑलवेज कम्फर्ट। मैं फोटो कर रही हूं।
अरे पर उन्होंने बोला एक मिनट रुको ना, तो मैं कहां जा रहा था, आप मेरे को बोल रहे हो रुको रुको जरा, आपको मना किया या कुछ के कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सी थोड़ा भैया यो वन वन मिनट कुछ ही सेट वन कर लेंगे, मुझे ऐसे घूमना पड़ेगा रोहित भाई, धमाका किया और अब इट्स आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ बॉम्बे टाइम्स नाउ एंड आई वाज वॉकिंग द रैंप फॉर संध्या शाह, मैं आज ही लैंड हुई हूँ आर्मेनिया से और सीधा आई एम हियर ग्लैम्ड अप और आज मैं पहुँच गई यहाँ एंड थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए, आई जस्ट लव्ड इट एंड वी ऑल्सो हैव संध्या हियर एंड थैंक यू संध्या, आपने मुझे इतना खूबसूरत दिखाया आज एंड थैंक यू, इवन यू आर सो खूबसूरत, थैंक यू, हम लोग यू नो इंडियन फंक्शंस में पहन सकते थे तो रिसोर्ट रिसोर्ट ही रह जाता है एंड वी डोंट गेट अ चांस टू यूज इट इन डिफरेंट वेज, सो या तो आई थिंक ये आउटफिट पहनने के बाद मैं सीधा एक शादी के फंक्शन में जाने वाला हूँ,
look kidding that way, but I think ye bahut hi perfect outfit hai. This is the kind of silhouette which is very western, and the embroideries which Sandhya has, you know, the embellishment which she has put in it are very Indian. So I think it's a perfect Indo-Western wedding outfit, and it's a perfect to start the Sangeet night. So I'm all geared up for it. I think fashion or trend har din badalta rehta hai. There's so much technology which has come in place and so many silhouettes which have come in place. बट एक चीज है, फैशन हमेशा बदलता रहा है, बट आपका कॉन्फिडेंस नहीं बदलना चाहिए. सो आप एक नॉर्मल सा कपड़ा पहनो, बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपका कॉन्फिडेंस आपके फैशन में दिखेगा, राइट? आई थिंक मैंने बोला ना, मैं अभी आर्मेनिया से आ रही हूँ तो मैं थोड़ी ऐसी थी, तो जैसे मैंने अमेजिंग सा म्यूजिक सुना तो, और आप सब थे वहाँ पे, तो डांस करना तो लाजमी था. और आई थिंक संध्या जी ने जो कलेक्शन बनाई है, दिस इज फॉर अ संगीत, तो संगीत में अगर डांस ना हुआ तो क्या फायदा.
हेलो हाय कैसे हो This is a new collection which we have unveiled here. It's Eternal Modernity. So it's a contemporary jewelry along with the Indian traditional heritage. So I want to give individual person uniqueness and a personalized jewelry. So yeah, that's my collection. यार आई थिंक मुझे बहुत पसंद है लहंगाज सो आई लव देम एंड टुडे आई एम वेयरिंग समथिंग विच इज़ वेरी गर्ली एक तो बेबी पिंक कलर है ऊपर से द ब्लाउज इज स्ट्रैपी एंड द स्कर्ट इज वेरी फ्लफी सो आई लव इट ज्वेलरी तो सोने पे सुहागा ऑफकोर्स एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू हर बिकॉज यू नो दिस इज द काइंड ऑफ ज्वेलरी यंगस्टर्स आर लुकिंग फॉर दीज डेज दिस इज अ कंटेम्प्रेरी डायमंड डिजाइन सो आई एम इन लव विद इट कैसी लगी आपको मेरी अच्छी जिंदगी यार लवली आई थिंक बहुत ज्यादा मतलब द वे आई एम ग्रोइंग टचवुड आई एम लविंग इट और बहुत मजा आ रहा है मुझे बिकॉज मेरे लिए एज अ शो स्टॉपर यहाँ पे वॉक करना ही बहुत बड़ी बात है मैं बहुत नर्वस थी एक्चुअली जब मैं चल रही थी तो मुझे लग रहा था यार फर्स्ट टाइम है कभी किया नहीं है कुछ नहीं है बट फिर धीरे धीरे जब एक एक स्टेप में बढ़ाती गई तो कॉन्फिडेंस आया एंड आई फील सो ग्रेटफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू बी हियर यार आई थिंक मैं सबको यही बोलती हूँ कि फैशन और ट्रेंड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं इट इज़ नॉट ऑलवेज कि कुछ एक ही है तो फैशन हमेशा बदलता रहता है यू हैव टू बी अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ट्रेंड्स दिस इज व्हाट आई फील हाँ कशी असगर तुम्ही हाँ यही आता है मुझे मराठी एक्चुअली मैंने पहली बार उनको जब ज्वेलरी दी तभी आई टोल्ड हर कि आई थिंक दिस पीस इज मेंट फॉर यू या शी वाज टेलिंग मी बैक स्टेज की पीस शायद आप ही का वेट कर रहा था मैंने कहा इतनी भी प्लीज तारीफ मत करो थैंक यू
सब लोग माइक के पास आते हैं जी ओके सो फिल्टर क्या काम करते हैं जो आउटफिट मैंने पहना है उनके डिजाइनर्स मेरे साथ में है सो गाइस प्लीज टेल अस अबाउट द आउटफिट आई तो लव इट आई शिल टेल यू व्हाई द काइंड ऑफ वाइब्रेंसी जो आप लोग देख रहे हैं दैट इज जस्ट प्योरली हैंडमेड बोलना सही नहीं होगा इट्स सोल मेड सो दिस इज द कच्छ फर्स्ट ब्रांड रिप्रेजेंटिंग इटसेल्फ ऑन दिस लेवल एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट दिस इज टोटली इंस्पायर्ड बाय एम्पावर्ड वुमेन फॉर द मॉडर्न वुमेन मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ एंड आई एंजॉयड द शो अ लॉट एंड टोटली आई एम इन लव विद देयर ब्रांड एंड या विच आई एम वेयरिंग ऑल्सो इट्स वेरी सुपर कंफर्टेबल प्लस इट्स वेरी लाइक गॉर्जियस यू नो जब कोई वॉक करे तो दिखेगा अलग सो इट इज दैट काइंड ऑफ आउटफिट सो या आई टोटली लव इट एंड थैंक यू गाइस फॉर मेकिंग मी मोर ब्यूटीफुल विद योर आउटफिट यू लुक स्टनिंग थैंक यू वो तो आई थिंक हर किसी के साथ ही होता है ना यू फील गुड जब आप रैंप पे चलते हो तो जो भी चल रहा होता है उसी पर सारी निगाहें होती हैं एंड डेफिनेटली शायद हर किसी को अच्छा लगता है मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड या काफ़ी अच्छा लगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अपने आप को अलग बनाना है सी आपका ना एटीट्यूड ही आपको अलग बना देता है सो कैरी योर एटीट्यूड सो यू डोंट हैव टू ऐसा नहीं है कि कुछ उसके लिए पर्टिकुलर हमें गारमेंट चाहिए सो या एंड आई डोंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको भीड़ में अलग दिखने के लिए कुछ अलग बनना है दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि ऐसा एटीट्यूड कैरी करो कि आप खुद दिख जाओ अलग दैट्स व्हाट आई प्रेफर आई डोंट नो ऐसा होता है कि दिखते हैं नहीं दिखते बट आई जस्ट कैरी द कॉन्फिडेंस Soon. Okay, I think we are done. Thank you guys. जल्दी
जैस्मिन पे लगी थीम के बारे में बताओ। हाँ, सो बेसिकली इट्स अ वेडिंग कलेक्शन, ब्राइडल कलेक्शन विच इज ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न एंड वेरी ब्यूटिफुल शेड्स ऑफ वाइट एंड पेस्टल्स वर यूज। माइन इज गोल्डन एंड कॉपर बिकॉज इट लुक्स रॉयल एंड द शो स्टॉपर थीम वाज रॉयल। या एंड मेरा ये आप जो देख रहे हैं व्हाइट एंड गोल्ड जो इनका थीम था, आप थोड़ा बता दो। रॉयल बेसिकली about the royalty, yeah, the highness and bringing gold traditional to the modern techniques. Yeah, और इन्होंने बोला कि ये अली पे बहुत अच्छा लगेगा तो फिर मैं भी आ गया तो हम मिलके हमने रॉक किया। मैं आप दोनों जाना चाहूंगा, अक्सर आप एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़कर आज आपने रैंप पर जो साबित कर दिया सर, अपने मॉडल्स में सोलो वॉक में आप दोनों साथ में। हां कहाँ तक? कबर तक, एंड तक। बहुत अच्छा लगा काफी। मैं उसको वही बता रहा था कि मैं एक्टिंग से पहले मैं मॉडलिंग ही करता था, मैं रैम्बो ही करता था एंड 17 साल का था तब करता था। तो जब मैं बैक स्टेज में था तो मेरे को एकदम सारा फ्लैशबैक आ रहा था एंड आज जैस्मिन के साथ एंड ऑब्वियसली शो स्टॉपर तो बहुत अच्छा फील हो रहा था एंड थैंक्स टू टाइम्स इस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए हम दोनों को साथ में लाने के लिए एंड इट्स अ गुड फीलिंग। जसवीर जी आपके आउटफिट के बारे में बताइए थोड़ा सा एंड अनिल जी ने काफी इस माइक के पीछे से बहुत बार संभाला है आउटफिट को भी आपने शेयर किया है आपके आउटफिट को। अली ने आउटफिट पहले मुझे भी संभालता रहता है तो ये उसका काम है मुझे संभालना मेरा और काफी लंबा है ना पीछे से तो ऑब्वियसली अब मैं नहीं संभालता तो कौन संभालता कौन आता वहां संभालना ही था। सो इट्स अ गोल्डन एंड कॉपर यूज, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्राइडल आउटफिट, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। अगर इसका आप एक एक मतलब दिस थिंग आई लव्ड इट, या लव्ड इट एंड सीइंग द स्टूडेंट्स हैव डन इट सच अ फैबुलस जॉब, दे हैव सच अ ब्राइट फ्यूचर। अगर ये अभी पढ़ते टाइम ऐसा रहता है तो क्या बात है। एंड आई फेल्ट रियली बस बस अभी अभी अंदर अंदर आना खाना खा के जाना बस 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 आप तो एकदम और बात पकड़ते हो। चलो गाइस फोटोस ओके गाइस एक्सक्यूज मी नो नो सोलोस नहीं 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 ही आल्सो नॉट गिव नहीं सोलो मैं उनको बोल रही हूँ नहीं मैं सोलो नहीं मिलेगा सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए हो गया थैंक यू। हाँ मैं यहाँ पर भी लाऊंगी यहाँ इस तरह आप सोलो गॉट इट मिला या यहाँ पर ले आते एक बार यहाँ पर भी यहाँ पर सोलो गाइस यहाँ पे
So, इस कलेक्शन का नाम है विस्पर्स ऑफ द पास्ट. इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम द इंडो ब्रिटिश इरा, लाइक द बायगॉन इरा. तो काफ़ी इसमें इंडियन ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस है, जैसे कि मॉडल्स ने ग्लव्स पहना था, सनग्लासेस पहना था, हैंड फैंस थे, बाइनोक्यूलर्स थे, एलिगेंट एम्ब्रॉयडरीज थे. कलर्स आर वेरी नॉट सो इंडियन, जैसे कि ब्राउन्स इंडियन ज़्यादा पहनते नहीं है. बट ये हमने थोड़ा एक बहुत ही मॉडर्न बट एक वेरी विंटेज इरा का इन्फ्लुएंस लेके एक वेरी मॉडर्न टेक में कलेक्शन बनाया है. पीसेज आर वेरी एलिगेंट एंड इट गोज परफेक्टली विद द डायमंड ज्वेलरी जो हमारे कलेक्शन के स्पॉन्सर्स थे. जी ज्वेलरी इज लाइक अ स्टेटमेंट पीस विच इज मेड बाय समीरबाई एंड इट्स लोटस ऑर्नामेंट्स, इट्स कॉल्ड द ब्रांड नेम. एंड दिस ब्यूटिफुल आउटफिट इज मेड बाय माय वेरी डियर फ्रेंड ईशामी. बहुत ही कंफर्टेबल आउटफिट है. यू नो जनरली हम लड़कियों को बहुत स्ट्रेस होता है कि आप रैंप वॉक कर रहे हो तो आउटफिट घाघरा जो है वो पैर में ना आ जाए, बहुत भारी है, दुपट्टा गिर ना जाए. एंड एवरीथिंग इज लाइक परफेक्ट यू नो इन दिस. You know, the dupatta is so light, the cape is so light, the blouse and the way the embroidery is, it's very, very light and pretty and fashionable. मैं सिर्फ डेनिम और वाइट टी शर्ट में बहुत कंफर्टेबल हूँ. जितना मिनिमम हो उतना बेटर है. लाइक आई डोंट लाइक टू मेनी लेयर्स. आई लाइक वाइट शर्ट, वाइट t-shirt and denims. That's my goal. beach par. Wedding. Like a destination wedding. I feel like nobody could carry this look better than Karishma. She's done proper justice to the collection. As a designer, as an artist, aapki mehnat rang laayi hai ram. Thank you. Aapne jab pehli baar inhein dekha to aapka kya reaction tha? आई मीन मुझे जब ये कलेक्शन के लिए शो स्टॉपर चाहिए था, आई न्यू इट हैड टू बी करिश्मा बिकॉज शी सो ग्रेसफुल एंड एलिगेंट ऑन द रैम्प एंड इट वर्क परफेक्टली विद द काइंड ऑफ थीम एंड ईरा दैट आई वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट. एंड एंड आज जब मैंने इनको देखा ये आउटफिट में, आई थिंक आई वॉज ऑल माई स्ट्रेस वॉज गॉन. देखो मीडिया के सामने बोल दिया है, मैं लेकर जा रही हूँ. मैंने कहाँ मना किया, मैं तो खाली नोट चेक दे के जाना. नो बट शी इज अ वंडरफुल पीस एंड आई एम टेलिंग यू समथिंग, दिस इज अ स्टेटमेंट पीस बट द वे शी इज कैरीड इट आउट इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग. आई मच रिस्पेक्ट हर फॉर दैट. This is a very exclusive statement piece called Valley of the Flowers. It is basically all natural diamonds, 130 carats of natural diamonds with natural sapphire, pink color diamond, brown color diamond with white diamonds, made with 117 different components linked together to create this masterpiece. It's not an easy task, but it's one of the kind in the world. There's no other second piece made like that. Thank you. Now you have to put off very good.
Thank you.
So my name is Veena Manglani. I'm the fashion designer, and the collection is inspired by beautiful Indian rich textiles, which is the Bani fabric and Lucknowi fabric and Banarasi fabric. So we created a beautiful blend of lehenga choli, skirts, drape sari, and the whole collection has a beautiful color tone of dark red, beige, gold, and lime green, the beautiful color. The collection, we have beautiful intricate embroidery, and this whole collection is for all celebrations. So I'm so excited. I have Aditi wearing the beautiful new creation, and I just love this outfit. All right, you look so beautiful. I'm so happy. Thank you. Well, thanks for the wedding season. The fashion trend, I always recommend to stick to beautiful classics. You need to have a bandi dupatta, you need to have beautiful Lucknowi lehenga choli, and a beautiful Banarasi red lehenga. Beautiful. I would love to thank Rabia for creating this platform, which is Walking for a Cause. I walked with this really specially gifted, beautiful child called Ashrita, who is on an autism spectrum. And the way we walked together, the way she connected with me, it gives me a sense of satisfaction. It gives me a sense of contentment, which one doesn't really get every time one walks the ramp. So special thank you to both of you for creating this platform. Thank you. Yeah. I'm Aruna Sharma, the founder of Life End Foundation, and I support acid victims. I normally raise the fund for the acid victims. And today, me and Rabia have done this show. It's for the Walk for a Cause. Women from different fields, they all have come and walk on the ramp. As you know, like all the women is the dream to walk the ramp. So today, we all walk on the ramp. It really felt very nice. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so thank much. You so thank much. You. Thank you. Come. Thank you, Aditi. We'll be right back.
जी जी आउटफिट तो हमारी जो डिजाइनर है ऋतु गोयल जी, इन्होंने किया है। ब्लैक एंड व्हाइट पता है ना आपको, लाइफ में भी ब्लैक एंड व्हाइट चढ़ उतार होते हैं, और उसमें जो शाइनी चीज़ दी है हमेशा शाइन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेन जो सबसे अच्छी बात थी ये सोशल कॉज के लिए, और जब इतनी लक्ष्मियों के साथ आप काम करते हो तो हमारा सौभाग्य है कि इनके साथ काम करने को मिला, और बॉम्बे टाइम्स में आप एक सोशल कॉज के लिए कर रहे हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। लड़कों के लिए मैं, यार मैं फैशन तो मेरे लिए डेफिनेशन है कि आपका कंफर्ट जोन, फिर वो महंगा सस्ता नहीं, आपका कंफर्ट जोन हो कुछ भी हो सकता है, जो आपका दिल बोलता है वो मेरे लिए फैशन है, जो मेरे मैं जिसमें कंफर्टेबल रहता हूँ। शिव मैं आपसे जानना चाहूँगा, रैंप पर अभी जिस तरीके से नए सोशल सब्जेक्ट के साथ अभी आ रहे हैं आप लोग पार्टी में, क्या बोलना चाहेंगे, अच्छी की शुरुआत है रैंप पर, इसके सब्जेक्ट्स लेकर आना, ह्यूमैनिटी सोशल कॉज, क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर आपको 10 लोग जानते हैं, वो 10 लोग आपको बनाने में उनका भी हाथ है, तो आप कुछ चीज़ ऐसी करते समय आपको दो बार सोचना भी पड़ता है कि वो 10 लोग इन्फ्लुएंस हो अच्छी चीज़ के लिए। तो मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि जो ऐसी चीज़ें मेरे हाथ से हो कि वो इन्फ्लुएंस हो, कि वो चेन बने और आगे जाके वो भी कुछ एक काम करे कि जिससे आगे वालों की हेल्प हो, और इसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक टीम होती है, जब वो टीम इन्वाइट करती है तो आप एक जरिया बनते हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसी नई नई चीज़ें और अच्छी चीज़ों के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ये हमारा ये सौभाग्य। मैम मैं आपसे शिव जी को एज ए रैम मॉडल प्ले करेंगे, सबसे बड़ी अगर तो एक वजह होगी तो क्या है? वजह है राबिया पटेल जी, शी वांटेड कि हमारे पास सारे सोशल कॉज वाले आए, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अच्छा मैसेज देना चाहेंगे। सो हमने सोचा शिव ठाकरे ये भी बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं एंड हमेशा अच्छा ही मैसेज दिए इन्होंने पब्लिक को, सो इसीलिए आई एम वेरी प्राउड कि वी ऑल आर टुगेदर वर्किंग ऑन अ सोशल कॉज। थैंक यू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू। राबिया जी एक मैं और आप करते हैं, राबिया राबिया एक पिक्चर हम दोनों लेते हैं, आपको पलक के बीच में लेंगे, पलक को, अच्छा बेस पलक, Where is Pallak? You can see. I cannot see. I'm so tall. I cannot see. Pallak, अभी हमारा काम खत्म है। Pallak. पलक का है भी ना, पलक पलक गई लगता है ना, बाद में फोटो ले लेना, बाद में यस। पलक कुछ है, शी फाइंड आउट ना, पलक इज सो ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउट, ही ऑलवेज शाइन दैट आई थॉट द कलर येलो, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू द गार्ड। पलक आपके आउटफिट एंड अटायर के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी आउटफिट बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन की है वीना जी ने, आई एम रियली हैप्पी कि इंडियन आउटफिट है विद अ लिटिल बिट ऑफ ग्लैमर, इट्स समथिंग दैट आई स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटिंग माय कल्चर, सो आई एम रियली हैप्पी कि ये आउटफिट का डिज़ाइन है। मतलब दिस एंटायर इनिशिएटिव ऑफ
I always have felt that fashion is a very powerful medium, and if through fashion we can speak about causes, like we call the show Walk for a Cause, I think nothing can be more impactful than that. And I was really happy. I was just not walking on the RAB, but I was walking for a purpose, and I'd like to thank Ravi Ashi for inviting me. It's such a beautiful cause. And I hope that people who are associated with fashion or who are walking in any form of profession, I'd like them to dedicate their lives, their professions to some social cause they resonate with. मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात है कि फैशन को एसोसिएट किया गया है सोशल कॉज के साथ, और इसी वजह से मैं यहाँ हूँ भी. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस तरह का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिससे फैशन को, जो इतना ज़्यादा पावरफुल मीडियम है, एक सोशल कॉज के साथ एसोसिएट किया है. मैं तो 100% कोशिश करती हूँ, और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी लाइफ ही डेडिकेटेड है सोशल कॉज के लिए, और 3000 सर्जरीज बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं. आई थिंक ये जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, जितने भी फैंस नहीं कहूँगी, मेरी फैमिली है, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से. मेरा हर कॉन्सर्ट डेडिकेटेड होता है कॉज के लिए, बट बिकॉज हम इंडियन ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करें, सो आई थिंक प्रेम रतन हो पाए. सिया तो कमाल का, बाकी भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा, वही मैं कमाल की. पायोरे 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 पायोरे, प्रेम तन धर पायो, प्रेम तन धर पायो. वेरी नाइस. पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल. अभी चलो आ जाओ, come, do this and then come over.
Sandhya Shah's designs, and I absolutely loved everything. And you know, I have been noticing everyone, and everyone looks so gorgeous, and I'm thankful to be a part of it. Yes. Thank you. Right now, I'm doing Krishna Mohini. My only focus is in this. But apart from that, yes, absolutely something really great coming forward into music. So yeah, I am looking forward to it, and of course you guys are also going to be shocked and thrilled about it, so stay prepared and stuff. Thank you so much. Thank you. बहुत अच्छा लगा. आई लव द कलेक्शन. और मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे प्रेरणा मैन के लिए आई थी, प्रेरणा अरोड़ा, एंड शी लुक्ड अमेजिंग, एंड द एंटायर कलेक्शन वाज आल्सो ब्यूटीफुल. सो जेन्युइनली आई एम ग्लैड आई वाज हियर. ये मेरे खुद का है वैसे तो. एक्चुअली पहले मैं नहीं आ पा रही थी, बट देन एन मोमेंट सम चेंजेस करके मैं ऐसे ही आ गई, तो जो मेरे वार्डरोब में था वो मुझे मिल गया और मैंने वैसे पहन लिया. सो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. जी amazing, beautiful, beautiful collection. I loved all the colors, their collection, the jewelry, and yeah, it's always a pleasure. And that is your outfit, jo bahut hi beautiful lag raha hai. My outfit, it's actually splitted, so I'm wearing a Prada pants in a Bershka jacket. And, yeah.